नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश समेत अन्य नेताओं ने दी बकरीद की शुभकामनाएं। रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ और ज्यादा महंगा। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जाएगी फूड पैकेट और मेडिकल किट। बिहार में अब तक हुई बारिश चिंताजनक। बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर अहम जानकारी आई सामने। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश समेत अन्य नेताओं ने दी बकरीद की शुभकामनाएं। आज बकरीद के मौके पर बिहार समेत देश भर में जश्न का माहौल है। इस मौके पर ही बकरीद पर लोग नमाज अदा करेंगे और खुद से अमन चैन की दुआएं मांगते देखे गए। वहीं आज इस खास मौके को लेकर सीएम नीतीश समेत कई नेताओं ने बकरीद की शुभकामनाएं दी है, जिसके तहत ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बकरीद की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा कि ईद उल अजहा के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। ईद उल अजहा का त्यौहार असीम आस्था का त्यौहार है। खुदा के हुक्म पर बड़ी से बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार रहना इस त्यौहार का आदर्श है। इस त्यौहार को आपसी भाईचारे और सद्भाव के साथ मनाएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने भी बकरीद के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दिया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारकबाद। बिहार में बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जाएगी फूड पैकेट और मेडिकल किट। बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच अब बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए बिहार सरकार आगे आई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाकों में फूड पैकेट के साथ ही मेडिकल किट का वितरण किया जाएगा। सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में मेडिकल किटों का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद बाढ़ग्रस्त जिलों में मेडिकल किट के निर्माण की कवायद शुरू कर दी गई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने को लेकर होती है, इसीलिए मेडिकल किट में पानी को शुद्ध करने को लेकर दवा की टिकिया भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही पानी को शुद्ध करने और उसे पीने के काम में लाए जाने के लायक बनाने को लेकर हैलोजन की 30 टिकिया भी दी जाएगी। इससे अतिरिक्त 10 पैरासिटामोल के टैबलेट्स भी रखे जाएंगे। रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ और ज्यादा महंगा। बिहार में महंगाई की मार झेल रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। रसोई गैस और उनके कनेक्शन के लिए पहले से ही अधिक पैसे खर्च करने वालों की जेब अब और ज्यादा ढीली होने वाली है, क्योंकि रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला तो चल ही रहा है, अब कनेक्शन लेना भी महंगा हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब नया कनेक्शन लेने के पहले की तुलना में 850 रुपये अधिक भुगतान करना होगा। इसी तरह से कमर्शियल कनेक्शन लेना भी पूर्व की अपेक्षा 900 रुपये महंगा हो गया है। दरअसल सिलेंडर और रेगुलेटर की सिक्योरिटी मनी बढ़ा दी गई है। हालांकि कंपोजिट कनेक्शन पूर्व की दर पर ही मिलेगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले ही रसोई गैस को महंगा किया गया था। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले छात्रों के लिए खुशखबरी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से बिहार के इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले दलित, अत्यंत पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के 10,000 युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देने की तैयारी हो रही है। खबर के अनुसार इसके बाद ही उनके प्लेसमेंट की व्यवस्था की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि ये प्रशिक्षण निःशुल्क होने वाला है। प्रशिक्षण मिलने के साथ ही प्रशिक्षित युवाओं के प्लेसमेंट के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। योजना के अनुसार दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में 10,000 युवाओं को प्रोफेशनल कोर्स से प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार मिल सके। इसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से टेक महिंद्रा, TSS, इंफोसिस और यामाहा जैसे अन्य कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा। विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल ने इस बात की जानकारी दी है। श्रावणी मेला में जगह जगह दी जाएगी पोलियो ड्रॉप। 13 जुलाई से पोलियो ड्रॉप पिलाए जाने की व्यवस्था श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही होने वाली है। यूनिसेफ के राकेश कुमार ने बीते दिन इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि इसके लिए 39 टीम और 7 पर्यवेक्षक लगाए गए हैं, जो दोनों घाट, कृष्णगढ़ नियंत्रण कक्ष, रेलवे स्टेशन धांधी बेलारी में रहेगी। कांवड़िया के साथ आए 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी, जिससे श्रावणी मेले में शामिल होने वाले बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की दिया जाना आसान होगा। बिहार में अब तक हुई बारिश चिंताजनक। बिहार में कहने को मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन जिस तरीके से अब तक बारिश हुई है वो चिंताजनक है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश की चेतावनी नहीं है, यानी बारिश की कमी का ये ग्राफ और बढ़ सकता है। मौसमविदों के अनुसार पूरे सूबे में 1 जून से 9 जुलाई के बीच 263 मिलीमीटर बारिश दर्ज होनी थी, लेकिन मात्र 191.7 मिलीमीटर बारिश हुई। इस वजह से राज्य भर में सामान्य से 27% बारिश की कमी हो गई है। आपको बता दें कि प्री मानसून के बाद अब मानसून सीजन में भी बारिश की किल्लत राज्य के अधिकतर जिलों में दिख रही है। इस वजह से सूबे में बारिश का ग्राफ हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार पटना सहित राज्य के 35 जिले कमोबेश बारिश की किल्लत झेल रहे हैं। राज्य के 20 जिले ऐसे हैं जहां सामान्य मानक से 40% या उससे भी अधिक बारिश की कमी हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो इन जिलों में सूखा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को आया पैरालिसिस अटैक। बीते दिन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह को अचानक से पैरालिसिस अटैक आया, जिसके बाद ही उन्हें आनन फानन में भर्ती करवाने का काम किया गया है। खबर सुनते ही इनके समर्थकों की
चिंता काफी बढ़ गई है। सभी समर्थक और उनके करीबी और भाजपा के कई कार्यकर्ता पूर्व मंत्री को ठीक होने की दुआएं मांग रहे हैं। बता दें कि पूर्व मंत्री रामाधर सिंह शुक्रवार की रात 2 बजे अचानक पैरालिसिस से ग्रसित हो गए। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी रामाधर सिंह का हाल चाल लेने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उनके परिजनों से चिंता न करने की बात कही गई। जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बता दें कि पूर्व सहकारिता मंत्री रामाधर सिंह औरंगाबाद जिले के ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के कद्दावर नेता के रूप में गिने जाते हैं। वो औरंगाबाद जिले के सुखिया गांव के निवासी है। पीएम मोदी के बिहार आगमन को लेकर सर्वदलीय बैठक का हुआ आयोजन। बिहार में 12 जुलाई की तारीख बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इस दिन देश के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ही बिहार आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर अभी से ही बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ही बीते दिन सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, जहां पर ही बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को विधानसभा परिसर में कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए विचार विमर्श के लिए विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित सभी दलों के माननीय दलीय नेताओं की बैठक में कही। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि 12 जुलाई विधानसभा के लिए वो स्वर्णिम दिन होगा, जब भारत अमृत महोत्सव और बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समापन समारोह में भाग लेने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसभा परिसर आएंगे। बिहार विधायिका गर्मजोशी से उनका स्वागत और आगवानी के लिए तैयार है। स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा खेल, योग और शारीरिक शिक्षा। आने वाले समय में बिहार के छात्रों को स्कूलों में कई नई चीजें सीखने को मिलने वाली है, जिसके तहत ही राज्य के सभी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, खेल और योग पाठ्यक्रम में शामिल होगा और इनमें मूल्यांकन के आधार पर बोर्ड परीक्षा के नीचे के सभी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड में शामिल करने की योजना बनाई जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही बताया है कि आज तनावयुक्त जीवन शैली के कारण कम उम्र में ही लोग कई गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भी अछूते नहीं है। शारीरिक शिक्षा, खेल और योग तनाव मुक्त करने का बेहतर माध्यम है। उन्होंने प्रशिक्षण थियोग से यह भी कहा है कि सभी शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण का लाभ उठाकर इसका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन विद्यालयों में करें। बिहार में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर अहम जानकारी आई सामने। पटना जिले में छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर पर शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग 13 जुलाई से शुरू होने वाली है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के विषयवार काउंसलिंग की जाएगी। इससे पहले शिक्षक नियोजन अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट NIC की पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी है। मेरिट लिस्ट पर आपत्ति के निराकरण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्कूल के लिए कुल 241 अभ्यर्थियों को विभिन्न विषयों के लिए योग्य पाया गया है। वहीं उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए कुल 176 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। इसके अलावा नगर परिषद और नगर पंचायत स्तर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक योग्य अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी पर मुकेश सहनी ने साधा निशाना। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश भर में बढ़ रहे बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना निशाना साधा है, जिसके तहत ही बीते दिन कहा कि देश में बेरोजगारी दर जून महीने में बढ़कर 7.80% पर पहुंच गई। पिछले महीने विशेषकर कृषि क्षेत्र में 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। इस दौरान इन्होंने आर्थिक शोध संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के हवाले से कहा कि जून महीने में रोजगार में कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% पर पहुंच गई, जो मई महीने में 7.30% थी। उन्होंने ये भी कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थिति कुछ बेहतर रही और बेरोजगारी दर 7.3% दर्ज की गई। राजद ने कान पकड़कर नीतीश के मंत्री जी को निकालने की कही बात। भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में तबादलों को खत्म करने के साथ ही बिहार के राजनीतिक गलियारे में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत ही राजद के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी बीते दिन राजद पर हमला बोला है, जिसके तहत भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार सरकार के ज्यादातर मंत्री भ्रष्ट है। तबादले के लिए अधिकारी मनमाना रिश्वत लेते हैं। पैसा वसूली के लिए ही 3 साल की जगह 1 साल 6 महीने में ट्रांसफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं। ये भूमि सुधार नहीं बल्कि भूमि बर्बाद विभाग है। जनता अधिकारी के लगातार चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन यहां पैसे का खेल खेला जाता है। अधिकारी पोस्टिंग 20 लाख 25 लाख की मांग करते हैं, नहीं तो जनता का काम नहीं होगा। श्रवण कुमार ने RCP को बताया पार्टी विरोधी। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार गृह क्षेत्र नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने जदयू पार्टी कार्यालय में महिला कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने का काम किया, जिसमें नए सिरे से महिलाओं की भागीदारी को जिले के सभी प्रखंडों में अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष का चयन किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए RCP सिंह को लेकर कई बातें कही, जिसके तहत इन्होंने कहा कि जिसने उन्हें पहचान दिलाया आज वो उसी को नहीं पहचान रहे। कोई नेता मंत्री या किसी अन्य पद पर स्थापित होता है जिसे चाहे पार्टी चाहती है, लेकिन जिसे नहीं चाहती उसे पूछिए वो आज कहाँ है और क्या कर रहे हैं। पार्टी की टूट का सवाल ही कहाँ उठता है, पार्टी में कोई टूट नहीं है। इसके साथ ही इस दौरान ही उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी से संगठन की मजबूती को और ज्यादा बल मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही वो वजह है जिससे आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना अलग पहचान बना रही है, इसलिए नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है ताकि पार्टी मजबूत हो।
पाकिस्तानी दिग्गज शाहिद अफरीदी ने की टीम इंडिया की तारीफ। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ की, जिसने इंग्लैंड को उसी के सरजमी पर 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में 2-0 से हरा दिया। अभी सीरीज के 2 ही मुकाबले खेले गए हैं और दोनों मैच में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को ऑल आउट किया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि इंग्लैंड की दमदार टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ढेर हो गई। पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत ने बेहतरीन क्रिकेट खेली और सीरीज जीतने के हकदार है। वास्तव में प्रभावशाली गेंदबाजी प्रदर्शन वो निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप के लिए पसंदीदा में से एक होंगे। देशभर में कोरोना के मामलों में जारी है बढ़ोतरी। देशभर में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार देशभर में बीते दिन कुल मिलाकर 18,257 मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद देशभर में 14,553 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं देशभर में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,28,690 पर पहुंच गई है। वहीं नए मामलों के साथ देशभर में कोरोना मरीजों की संख्या 4,36,22,651 पर पहुंच गई है, जबकि 42 और संक्रमितों की जान जा चुकी है, जिसके बाद ही जान गंवाने वालों की संख्या 5,25,428 पर पहुंच गई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, देशभर में कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रामू कुमार, श्याम नंदन कुमार, प्रभात सिंह, प्रभा कुमारी, प्रशांत कुमार, सोनिया कुमारी, दिलशाद आलम, प्रहलाद जोशी, कुश कुमार कुमार, संजय रवि कुमार, सूरज कुमार, सूर्यकांत सिंह, सोना कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते हैं, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया से आप संतुष्ट है या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।